3 बजे के बाद मेरे पापा आए और मेरे बच्चे को ले गए कि किसी से मोहब्बत करता हूँ मैं, वो बच्चा मांग रही थी, मैंने इसलिए बच्चा दे दिया, बेऔलादी थी। मोहब्बत की कहानियों में आपने एक से बढ़कर एक आशिक देखे होंगे। आमतौर पर आशिक अपनी महबूबा की आरजू पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और अपनी जी जान लगाकर अपनी महबूबा की झोली में उसका दिल पसंद नायाब तोहफा डाल देता है, फिर चाहे उसके बदले कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ऐसे ही आशिकों की फेरिस्त में एक नाम स्क्रीन पर दिख रहे अधेड़ उम्र के जफर का है। ढलती जवानी में जफर ने मोहब्बत की और अपनी महबूबा को वो तोहफा दिया जो साधारण आशिक की कल्पना से भी बाहर की चीज है। दरअसल यूपी के बिजनौर जिले के नगीला इलाके में रहने वाला अधेड़ उम्र का जफर खुशबू नाम की महिला से प्रेम करता था। खुशबू की कोई औलाद नहीं थी जिसके चलते वो दुखी रहती थी। खुशबू को दुखी देख जफर अपनी बेटी मुमताज के घर गया और अपनी बेटी की 1 महीने की बेटी को चुरा लाया। जफर ने अपनी नातिन को उसके घर से चुरा कर अपनी महबूबा खुशबू की गोद में डाल दिया। नवजात बेटी के गायब होने से मुमताज ने जब बेटी को ढूंढना शुरू किया तो उसके सामने जो सच आया उसे देख सुन सब हैरान रह गए। लेटी थी यहाँ पे रात को 3 बजे। 3 बजे के बाद मेरे पापा आए और मेरे बच्चे को ले गए। फिर मैं उठी तो मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला। मेरे सब में तराश करा, ढूंढा पाला, कहीं मेरा बच्चा नहीं मिला। फिर मैंने इधर उधर छानबीन करी तो मैंने कैमरे में देखा भाला, वो तो मुझे ले जाते हुए दिखे, तो मेरे पापा थे। फिर क्या नाम है, हमने पुलिस में कंप्लेन करी, पुलिस में गए हम तो इनसे हमने कहा तो इन्होंने देख उनको पकड़ के लाए, बताया तो हमने हम उन्हें जेल में भेज दिया। यहाँ से ले गए उसके नाते कि किसी से मोहब्बत करता हूँ मैं, उसकी मोहब्बत में मैंने वो बच्चा मांग रही थी, मैंने इसलिए बच्चा दे दिया, बेऔलादी थी। पीड़ित मां ने जब बेटी के गायब होने की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर मुमताज के पिता जफर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद जफर ने अपनी अजब प्रेम की गजब कहानी पुलिस को सुना डाली। कसीम और मुमताज जो नगीना कस्बे के रहने वाले हैं, कसीम रिक्शा चलाता है, 4 बच्चों के साथ 19 अप्रैल को सो रहे थे। एक बच्ची उसमें 1 महीने की थी, उसी रात वह बच्ची चोरी हो गई, अपहरण हो गया। 363 RPC का अभियोग पंजीकृत है। अनावरण करने पर पता चला कुछ बच्ची का नाना यानी मुमताज के पिता ने ही बच्ची का अपहरण किया था, वो भी रहने वाला जफर नगीना का ही है जो दिल्ली में रहता है, और उसकी एक प्रेमिका वहाँ है खुशबू जो कटिहार बिहार के रहने वाली है। खुशबू की मांग पर उसने इस बच्ची को चुरा करके दिया। अंतरंग प्रेम प्रसंग में पुलिस ने जफर को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही भनक लगी खुशबू को कटिहार बिहार चली गई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगा दी गई हैं। जफर को जेल भेज दिया गया, खुशबू एवं बच्ची की बरामदगी के लिए टीमें लगाई गई। अपनी नातिन को चुराने वाला जफर पुलिस हिरासत में है, लेकिन उसकी महबूबा खुशबू उसकी नातिन को लेकर बिहार भाग गई है। हालांकि पुलिस ने खुशबू की गिरफ्तारी और नवजात की बरामदगी के लिए 2 टीमें गठित कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।